देखिए, जो मेरठ के एसपी सिटी हैं, उन्होंने अभी 20 दिसंबर में जनता के साथ में मेरठ के अंदर एक मुस्लिम मोहल्ले में जाकर बहुत बदतमीज़ी की है लोगों से कहा है। वहाँ बुज़ुर्ग खड़े थे मोहल्ले में, उनसे जाके कहते हैं, देखिए अगर यहाँ कोई भी बवाल होगा तो समझ लीजिए कि हम आपसे उसका हर्जाना भरेंगे। और बहुत गंदी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो सलाह देते नज़र आए हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ऐसे उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान भेजने की बात कब तक हमसे हिंदुस्तान के अंदर ये लोग करते रहेंगे? पहले नेता करते थे, आज की डेट में अधिकारी भी हमसे इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये सोच कहाँ से पनप रही है? हम लोग ये सारी जो लड़ाई, ये सारी चीज़ें सड़कों पे पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान पड़ा है। क्यों पड़ा है? हिंदुस्तान में रहने के लिए ही तो ये विरोध कर रहा है, हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए ही तो सड़कों पर है, उसके बाद हमें पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है। अरे साहब, जिन्ना के कहने में नहीं आए, जिन्ना को पहले लात मार दिया, हमें किसी अपने हिंदुस्तान से नहीं जाना है। हमारे जो बुज़ुर्ग जो हैं इस मिट्टी के अंदर जो दफन है वो महफूज है, और इसके ऊपर हम बाकी हैं, हम भी इसी मिट्टी के अंदर महफूज हो। हमारी डिमांड ये है कि ये जो एसपी सिटी ने जो हरकत की है, इन्हें सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोग वर्दी का लिहाज भूल गए। इनके दिमाग में, इनके जहन में पता नहीं क्या फितूर भर गया है, ये लोग वर्दी भूल गए। वर्दी पहनने के बाद क्या आदमी का क्या रवैया होना चाहिए जनता के प्रति, ये सब भूल गए। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए हैं। देखिए, हमारा जो उसमें हमने डिमांड लिखी है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारी भावना है। जी बिल्कुल, सीडी दी है, इस मसले की जो वीडियो है, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे, आपको उसमें सारी चीज़ें जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो गाली बकी हैं, वो सारी चीज़ उसमें मौजूद हैं, और बहुत गंदा कृत्य उन्होंने किया, इसलिए वो कम से कम वर्दी पहनने के हकदार नहीं है। मुकदमा लिखवाने की बात? बिल्कुल मुकदमा। क्या नाम है आपके इस पार्टी का? मेरा नाम सैयद नाजिम अली है, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से युवा महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश से।